पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो आंदोलन किया गया है, हमने लोगों से आह्वान किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से कोल्हापुर के अंदर और खास तौर से विशालगढ़ का तो अतिक्रमण का मामला था, लेकिन गजापुर गांव के अंदर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, मस्जिद में जाकर जिस तरह का आतंक मचाया गया और वहां पर तोड़ते वक्त कैसे नारे लगाए गए, कौन से झंडे वो हाथ में पकड़े हुए थे, इसकी निंदा करने के लिए हमने ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र भर में रखा था। क्योंकि हमें ये लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, वरना क्या वजह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, CID होती है, IB के सोर्सेज होते है, पुलिस की पूरी मशीनरी होने के बावजूद इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो जाना और सभी लोग खामोश रहना, उसके बाद आप 4-6 दिन के बाद हम केस रजिस्टर कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो ये सिर्फ थातुर मातुर है। तो सिर्फ एक चुप चुप की कार्रवाई कैसे की जाती है ना, उसका मामला है। आज एक मस्जिद के ऊपर हुआ है, कल कई और मस्जिद के ऊपर हमला हो सकता है, और ये करने वाले जो है वो महज चंद लोग है जो अपने आप को शिव भक्त कहते हैं, जो तोड़ते वक्त है तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो ऐसे कौन से भगवान ने आपको ये आदेश दिया है, आपको कहा है कि आप किसी के भी इबादत गाह में, किसी के भी धार्मिक स्थल के ऊपर जाके इस तरह की तोड़फोड़ करना का? कोई मजहब नहीं कहता है, लेकिन ये जो घटना हुई है इसका कहीं पर भी अतिक्रमण से लेना देना नहीं है। ये साफ साबित होता है कि ये घटिया राजनीति की एक साजिश है, सिर्फ अपने को सत्ता में कैसा आने का है, उस वजह से समाज समाज के बीच में, जाति धर्म के बीच में कैसा एक दरार पैदा करना है, उसका ये एक पूरा खेल है, जिसका शिकार जो है वो वहां के गरीब मुसलमानों के घरों के ऊपर हमला करके किया गया, जिनका कोई लेना देना नहीं है। सर, अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं असेंबली, तो क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन से पहले माहौल खराब करने की भी कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने आपको जैसा कहा है ना कि ये इसका अतिक्रमण से कोई लेना देना नहीं है, ये सब सत्ता में कैसे आया जा सकता है, तो हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तौर के ऊपर ही गंदे खेल खेल रही है, लेकिन इसका बलि का बकरा किसे बनाया जा रहा है, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा किसको भुगतना पड़ रहा है, तो वो गरीब मुसलमान को जिसका कोई लेना देना नहीं है। ना वो अतिक्रमण की जगह है, मस्जिद के अंदर इबादत करने के लिए लोग जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके की हरकतें होना, ये मेरे हिसाब से निंदनीय है। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, ये करने वाले लोग जो है ये उंगली पे गिने जैसे लोग है, उसमें ज्यादातर लोग जो है वो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का, तो उनके साजिश का हम शिकार नहीं होना चाहिए। आज मुसलमानों को भी वरगलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों ने भी कोई गलत कदम उठाना चाहिए करके, उसमें तो मैं सबसे ही अपील करना चाहूंगा उसके अंदर, इस साजिश का अगर हम शिकार हो गए तो बहुत बड़ा खामियाजा हमको भी भुगतना पड़ेगा इसके। देखिए, मेरे को छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने दुर्भाग्यवश
इस हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने आज से तकरीबन 3-4 साल पहले उन्होंने मुझे एक किताब दी थी शाहू महाराज के बारे में, और उन्होंने देते वक्त मुझसे ये कहा था कि आप ये पढ़िएगा कि शाहू महाराज का जीवन कैसा था, कि वो सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर कैसा चला करते थे करके। वो किताब मैंने पढ़ी हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो वंशज है वो भूल चुके हैं कि शाहू महाराज की परंपरा क्या थी करके। तो वो किताब मैं दोबारा उन्हें वापस भेजने वाला हूँ कि मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो समझ लिया, अब ये किताब आप दोबारा पढ़ लीजिएगा करके।